जी मैडम, क्या नाम आपका? नीलम जी, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, यहाँ की क्या समस्या आपकी गली की? ये गली तो साल भर से ही ऐसे गंदगी फैली हुई है। कई साल से? डेढ़ साल से। अच्छा, तो कहीं शिकायत की आपने? शिकायत तो कई तरह कई बार किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसके कारण क्या परेशानी आपको आती है? इसके कारण यही होता है कि गाड़ी चलते वक्त सारे दुकान पे छींटे आ जाते हैं, इसके कारण कोई भी ग्राहक यहाँ तक आ नहीं पाते हैं, मेरी दुकान भी नहीं चलती है। और दुर्गा मंदिर है यही रोड में। ये देखिए, इस तरह की परेशानी यहाँ पे आ रही है जो महिला बता रही हैं। हाँ माता जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम है भाई शारदा। क्या शारदा? हाँ जी शारदा जी, बताइए क्या समस्या है? की नाली की बहुत कीचड़ है, दुर्गा मंदिर के रोड है, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही। दो तीन साल से पानी भरा है, जाने का रास्ता नहीं, हमारी गली भी निकलने का रास्ता नहीं, सब बहुत लड़के बच्चे बहुत तबीयत खराब रहता है, मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी हो जाती है यहाँ पर। यहाँ से जो लोग बाग पूरी कॉलोनी के परेशान हैं। हाँ जी भैया, लोग क्या समस्या आपके यहाँ की? यहाँ की समस्या बहुत जटिल है। सर नाम बताइए आप। मेरा नाम है पंडित रवि शास्त्री जी। कौन सी जगह है ये? है माता दुर्गा मंदिर रोड, केक फैक्ट्री के नजदीक रास्ता जा रहा है। हमें यहाँ रहते हुए करीब 6 साल हो गए, और ये रास्ते में हम देख रहे हैं करीब 6 साल से ऐसी गंदगी और पानी हमेशा भरा रहता है। पूजा पाठ करने के लिए माता दुर्गा मंदिर की तरफ अगर हम सब जाते हैं तो बिल्कुल स्नान करना और न करना बेकार हो जाता है, क्योंकि इसमें लैट्रिन बाथरूम पूरा भरा पड़ा है। यहाँ के लोग जो हैं, गली के मोहल्ले के सारे परेशान हैं। गाड़ी वाले अगर आते हैं तो हम सब बचा बचा के चलते हैं, वो छींट मार जाते हैं, पूरा सब बेकार हो जाता है नहाना धोना। और हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि कृपया इसे इस तरफ ध्यान उनका आकर्षित कराना चाहते हैं, कृपया इसे कार्रवाई कराने की कृपा करें। ये देखिए कितना बुरा हाल है यहाँ पर, जर्जर हालत में रोड, और उसके बाद गंदगी जिसमें मच्छर भी पनप रहे हैं, आगे बीमारी फैल सकती है, और इस बीमारी के चलते काफ़ी बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। ये अलीपुर वार्ड नंबर 4 फिरनी रोड बताया जा रहा है, जो सीधा दुर्गा मंदिर की तरफ निकलता है। ये देखिए ये हालत है।